अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। दिस इज़ योर नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर क्लास 5, मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, चैप्टर 4, फॉर्मेटिंग इन MS Word 2010। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई थी, फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि रिबन्स क्या हैं। नंबर 1 रिबन्स है हमारी फाइल, नंबर 2 होम, नंबर 3 इंसर्ट, नंबर 4 पेज लेआउट, नंबर 5 रेफरेंस, नंबर 6 मेलिंग, नंबर 7 रिव्यू एंड 8 है हमारी व्यू। ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन की थी, फाइल में क्या ऑप्शन है, होम में क्या ऑप्शन है, इंसर्ट में क्या है, पेज लेआउट में क्या है, रेफरेंस में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मेलिंग से हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू एंड व्यू। लास्ट टाइम मैंने आपको ये ऑप्शन बताए थे कि हम इन ऑप्शन में जाके क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस में। फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग टैक्स, फॉर्मेटिंग टैक्स क्या है। देन यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब, आप किस तरह होम टैब पे जाके फॉन्ट जो आप चेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन मैंने मॉडिफाइंग टेक्स्ट, मॉडिफाइंग फॉन्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मॉडिफाइंग फॉन्ट के बाद मैंने आपको फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़ बताया था, आप किस तरह फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं और फॉन्ट उसका किस तरह चेंज कर सकते हैं होम में जाके। नाउ अब मैं आपको ये चैप्टर कंटिन्यू करूँगी फॉन्ट कलर से। फॉन्ट कलर क्या है? टू चेंज द फॉन्ट कलर फॉलो द स्टेप शोन बिलो। नंबर 1 सेलेक्ट द टेक्स्ट, नंबर 2 क्लिक ऑन फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज अ कलर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्लाइड में देख रहे हैं आप, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सेव को सिलेक्ट करा हुआ है। सेव को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट कलर में जाएंगे, फॉन्ट कलर में जाके जो भी आपको कलर चाहिए आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ ग्रीन कलर पर क्लिक हुआ हुआ है तो सेव जो है ग्रीन, सेव का जो फॉन्ट कलर है वो ग्रीन हो गया है। सेकेंड स्टेप में आप ग्रीन के अलावा कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको चाहिए, आप फॉन्ट कलर में जाके उसे ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज़ जो भी चेंज करेंगे, आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। विदाउट सिलेक्ट आपके टेक्स्ट पे वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सेव को सिलेक्ट करा, फिर सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड स्टेप में फॉन्ट कलर पे जाके कलर चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट आर द स्पेशल इफेक्ट सच एज शेडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो डेट कैन बी अप्लाइड टू द टैक्स। टू अप्लाई टैक्स इफेक्ट फॉलो द स्टेप्स शोन इन फिगर। नंबर 1 सेलेक्ट द टैक्स, नंबर 2 क्लिक ऑन टैक्स इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। थर्ड वन इज चूज अ प्रीडिफाइंड इफेक्ट टू क्रिएट योर ओन इफेक्ट। यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ पे भी आपने फर्स्ट स्टेप में उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप में आप टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद जब आप टेक्स्ट इफेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह बहुत सारे ए शो होंगे आपके पास। आप इनमें से किसी पे भी, जो भी आप चूज़ करेंगे, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लैक, जो भी आप इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे वो आपके जो आपने सिलेक्ट करा होगा टेक्स्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ ग्लो दिया हुआ है, पहले ग्लो को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन पे उन्होंने क्लिक करा तो उनका ग्लो टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। इसी तरह रिफ्लेक्शन टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, शेडो टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। आपको जो भी टेक्स्ट इफेक्ट लगाना हो तो आप वो
सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाके उस पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ वो इस तरह ए आएंगे, आप ए पे चूज़ करेंगे तो वो आपके आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जस्ट एज वी मार्क सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यूजिंग अ हाईलाइटर पेन, एमएस वर्ड हैज़ अ कमांड कॉल्ड टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। फॉर हाईलाइटिंग टेक्स्ट, टू हाईलाइटिंग टेक्स्ट फॉलो द स्टेप यूज हेयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे आप कॉपी में कुछ भी, जैसे आप कॉपी में एसे लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, या आप कोई भी अपना असाइनमेंट बना रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख रहे हैं, आपने उसमें कुछ लाइंस होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं हाईलाइट करने होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं या मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आप हाईलाइट करते हैं, वो हाईलाइटर से करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में कमांड होता है जो हमें हाईलाइट करना हो अपने असाइनमेंट के हवाले से, या हमें कोई वर्ड हाईलाइट करना हो तो हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाएंगे, वहाँ जाके इसे हाईलाइट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। विदाउट सिलेक्ट हम हाईलाइट नहीं कर सकते किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद जो फिर कलर जाएंगे, आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कलर आए, कलर आने के बाद इसमें पर्पल वर्ड सिलेक्ट कर लिया तो इस पर हाईलाइट हो गया। यहाँ लिखा हुआ है सेव ट्रीज दे विल सेव यू। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करा, इसे सिलेक्ट कर लिया, सेकंड में हाईलाइट कलर पे गए, थर्ड पे हमने पर्पल कलर चूज़ किया और इस पर अप्लाई हो गया, हाईलाइट हो गया टेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा रिमूव टेक्स्ट इफेक्ट। जो आपने रिफ्लेक्ट आपने टेक्स्ट इफेक्ट लगाया है या हाईलाइट किया है, आप इसे किस तरह रिमूव कर सकते हैं। सिलेक्ट, नंबर वन, सिलेक्ट द टेक्स्ट डेट यू वांट टू रिमूव एन इफेक्ट फॉर्म। सेकंड वन इज ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या करेंगे आप, सबसे पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, रिमूव करने के लिए उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप होम पे जाएंगे, आपने चाहे टेक्स्ट इफेक्ट को रिमूव करना है या हाईलाइट को रिमूव करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं ए, एक स्मॉल ए और एक कैपिटल ए दोनों लिखे हुए हैं यहाँ। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे हाईलाइट और टेक्स्ट इफेक्ट ये आपके सब ख़त्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। जो आपने कलर लगाया होगा या कोई इफेक्ट लगाया होगा वो, या कोई आपने हाईलाइट किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। समटाइम टेक्स्ट रिटन इन द सेम फॉन्ट इज मेड टू लुक डिफरेंट बाय मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। टेक्स्ट इज मेड बोल्ड टू मेक इट अपीयर डार्कर देन द नॉर्मल टेक्स्ट। टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी इटैलिसाइज्ड टू मेक द अपीयर स्लांटेड। अंडरलाइन द टेक्स्ट पुट्स अ लाइन बिलो इट टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। फॉलो द स्टेप्स शोन बिलो। नंबर वन, आपने क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन टू चेंज द टेक्स्ट। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने जो आपसे शेयर की हुई है पिक्चर, सेव ट्री दे विल सेव यू, सेव ट्री, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है ये चीज़ें क्या होती हैं। आगे हम अब मैं जो है आपसे डिस्कस कर रही हूँ, डीप में डिस्कस कर रही हूँ, ये सारे जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा एक ही फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं है। अब उस टेक्स्ट में
मुझे कुछ हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अंडरलाइन कर दूँगी, बोल्ड कर दिया मैंने या इटैलिक कर दिया, ताकि मुझे लगे कि हाँ कुछ तो डिफरेंट है या ये कोई मेन पॉइंट है जिसके ऊपर ये पूरी बात की जा रही है। इस टेक्स्ट में या इस पैराग्राफ में, तो उस पैराग्राफ को डिफरेंट करने के लिए मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन या इटैलिक कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ये चीज़ें हैं मेरे पास, सेव ट्रीज दे विल सेव यू, ये मैंने पूरी एक लाइन मतलब लिखी हुई है। ट्रीज को मैंने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो सबसे पहले मैं ट्रीज़ को सिलेक्ट करूँगी। जिस आपको मैं हर स्लाइड में यही बता रही हूँ कि आप हाईलाइट करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए उस वर्ड को, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप इसमें सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर होम पेज पे जाएंगे। होम क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मेटिंग कहाँ होती है, मेरी होम पेज पे। होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐसा बॉक्स आएगा, उस पे बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होंगे। होम पे जाएंगे, बी आई यू, सिर्फ कैपिटल लेटर में ये डायलॉग बॉक्स बने हुए होंगे, बी आई यू, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन है। तो यहाँ जाके मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरा रिजल्ट क्या आया, बोल्ड। देखें कैसे रिजल्ट आया, इसी तरह इटैलिक देखें कैसे रिजल्ट आया। जब मैंने आई पे क्लिक किया, अंडरलाइन पे किया तो नीचे अंडरलाइन आ गया। मैंने वर्ड को सिलेक्ट किया, होम पे गई, बी आई यू का ऑप्शन आया, सबसे पहले मैंने बी किया तो बोल्ड हो गया, आई किया तो इटैलिक हो गया, यू किया तो अंडरलाइन हो गया। ये तो जाके मैंने फंक्शन में यूज़ किया है। अब मैं अगर मुझे कोई फंक्शन में जाके यूज़ नहीं करना, मुझे क्विक वर्क करना है, जल्दी काम करना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट की लगा दूँगी। शॉर्टकट कीज़ क्या है मेरे पास, शॉर्टकट कीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, बोल्ड पे देखें, कंट्रोल प्लस बी, प्लस नहीं करना आपने, कंट्रोल के साथ प्लस नहीं करना, कंट्रोल के बाद आपने फौरन बी दबाना है। जैसे ही कंट्रोल आप बटन प्रेस करेंगे, फौरन आप बी प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इटैलिक आपने करना है तो कंट्रोल के साथ डायरेक्ट आई दबाएंगे तो आपका इटैलिक हो जाएगा। प्लस से मुराद यहाँ ये नहीं है कि आप कंट्रोल के बाद प्लस दबाएंगे फिर बी दबाएंगे, ये नहीं है। कंट्रोल प्लस बी मींस कंट्रोल और बी को प्रेस करेंगे तो आपका बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो आपका इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आपने कोई क्विक वर्क करना है, जल्दी से काम करना है और आपको फंक्शन में नहीं जाना, तो आप वर्ड सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू करेंगे तो वो आपका अंडरलाइन भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा एंड बोल्ड भी हो जाएगा। अंडरलाइन में काफ़ी सारी लाइन्स आ जाती हैं, आप जो भी आपको लाइन लगानी हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। रिमेंबर, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ अंडरलाइन कमांड टू apply different underlines, colors, styles. आप किस तरह underline, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि underline आपको जो भी चाहिए हो, trees में आप देखें, trees में different types की underlining हुई हुई है, ये मैंने आपको show किया हुआ, इस पर different types की underlining हुई हुई है, तो
तो आप जो भी आपको अंडरलाइन के लिए लाइन चाहिए हो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन मेंशन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको वर्क दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स दी थी और ट्रू एंड फॉल्स दिए थे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रिटन वर्क दिया था, सेकंड वीडियो में मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है। एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये है कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करें। आप कोई भी एक लाइन लिखें या कोई पैराग्राफ लिखें, उसका फॉन्ट कलर भी बड़ा करें, फॉन्ट कलर चेंज करें, फॉन्ट साइज़ बड़ा करें, हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, इटैलिक करें, राइटिंग चेंज करें, आप उसे अप्लाई करें ताकि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप और अच्छे तरीके से सीख सकें। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।